नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार सिंह, यू एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक समरसता, सोशल हार्मोनी। भारत जैसे बहुविविधता वाले देश में, जहाँ अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग विचारधारा, पंथ वगैरह से लेकर जो है कि हम लोग देखें तो हर तरफ केवल और केवल क्या है, डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी, विविधता विविधता। तो ऐसे देश में वैचारिक मतभेद, संघर्ष होने की संभावना क्या होती है, लगातार बनी रहती है। अगर हम लोग देखें तो हमारे परंपरागत सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारे ऋषि मुनि जो थे, उन्होंने अपने दूरगामी जो है दृष्टि से इस चीज को भली भांति समझा था। इसीलिए इस समस्या के समाधान हेतु सामाजिक समरसता, सोशल हार्मोनी के तत्वों को उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों के अंतर्गत, अपने निर्देशों के अंतर्गत इसको क्या किया, रखा था। आज हम अपने इस टॉपिक में सामाजिक समरसता क्या है, सामाजिक समरसता क्यों आवश्यक है, इसके प्रमुख तत्व क्या हैं, इन सब विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें। तो आइए हम लोग जो है पढ़ते हैं सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता, सोशल हार्मोनी। सामाजिक समरसता को हम लोग सामान्य शब्दों में सामाजिक सद्भाव के नाम से भी जान सकते हैं। समरसता मतलब सद्भाव। सद्भाव से आशय क्या, अच्छा भाव, एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखना, सद्भाव। तो सामाजिक समरसता क्या है? तो सामाजिक समरसता या सद्भाव का तात्पर्य अगर हम लोग देखें तो क्या है तात्पर्य, समाज के भीतर हमारा जो समाज है, इस समाज के अंदर अलग अलग तरह के जो हैं व्यक्ति हैं, ये सभी व्यक्तियों के बीच में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की स्थिति को हम क्या बोल सकते हैं, सामाजिक समरसता। समाज के भीतर व्यक्तियों के बीच, व्यक्तियों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। देखिए, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सह अस्तित्व का अर्थ सह मतलब साथ साथ, अस्तित्व मतलब आपका जो एक दूसरे के बिना हमारा अस्तित्व सुरक्षित नहीं, हमारा अस्तित्व एक दूसरे की मदद पर निर्भर करता है, क्योंकि समाज में व्यक्ति अपनी सभी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते, हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर। जितना ज़्यादा निर्भरता होगी
उतना ही ज्यादा सह अस्तित्व की अवधारणा बलवती होगी। एक और सामान्य शब्दों में हम समरसता को किस रूप में देख सकते हैं कि हमारे समाज में क्या है, भेदभाव है, असमानता है। तो इस भेदभाव और असमानता को दूर करके लोगों के बीच में परस्पर प्रेम और सौहार्द को बढ़ाना। अगर हम जो समाज में इनइक्वालिटी है उसको किसी भी तरीके से हम दूर कर सकें, कम कर सकें और लोगों के बीच में प्रेम और सौहार्द का भाव बढ़ा दें तो सामाजिक समरसता समाज में बढ़ जाएगी। तो एक सामान्य अर्थ क्या मिला? भेदभाव और असमानता को दूर कर, भेद भाव और असमानता को दूर कर परस्पर प्रेम और सौहार्द बढ़ाना। इसका आधार क्या होता है सामाजिक समरसता का? प्रेम और सौहार्द। तो जब लोगों के बीच में प्रेम और सौहार्द होगा तो सामाजिक समरसता होगी, मतलब सब घुल मिलकर रहेंगे। एक अन्य अर्थ हम क्या लगा सकते हैं? कि सभी को अपने समान समझना, सभी को अपने समान समझना। जब समाज के अंदर लोग सभी को अपने समान समझने लगेंगे, जैसे हम वैसे वो भी वो भी वो भी, तो आपस में एक भाईचारे का भाव, संघर्ष की स्थिति क्या हो जाती है ऐसे में कम हो जाती है। और इसे ही हम लोग सामान्य अर्थ में क्या बोलते हैं? सामाजिक समरसता कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं? समाज के सभी वर्गों, समाज के सभी वर्गों, वर्णों, जातियों, धर्मों के मध्य एकता स्थापित करना। क्या है? सामाजिक समरसता कहलाता है। समाज में जितने भी जो अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग वर्ण हैं, जातियां हैं, धर्म हैं, इन सब के बीच में हम क्या कर दें? एकता। इसे ही क्या बोला जाएगा? सामाजिक। तो एकता स्थापित करने वाला तत्व ही क्या है? सोशल हार्मोनी। जिस भी देश में सामाजिक समरसता अधिक होती है वह देश बहुत तेजी से क्या करेगा? विकास करेगा। और इसके अभाव में अगर किसी समाज में, किसी देश में सामाजिक समरसता नहीं होगी
तो इनके बीच में आपस में क्या होगा, संघर्ष होगा, मतभेद होंगे। हमने भी इन सब कारणों से कई दंगे देखे हैं, समाज में अस्थिरता होगी, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आएगी, एक दूसरे के प्रति अविश्वास का भाव होगा, समाज में अशांति होगी, अस्थिरता होगी। इन सब का समाधान क्या है? सामाजिक समरसता। ये सारी समस्याएं हम दूर कर सकते हैं, किसकी वजह से? कि इन सभी लोगों के बीच में सोशल हार्मोनी का भाव उत्पन्न कर दिया जाए। भारत जैसे अगर हम लोग देखें बहुविविधता वाले देश में इसकी जरूरत कुछ ज्यादा है, क्योंकि अगर ऐसा देश जहां पर एक ही धर्म के लोग होते हैं, एक ही संप्रदाय के लोग होते हैं, वहां पर संघर्ष और अविश्वास का भाव बहुत कम होता है, वहां ज्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। लेकिन भारत जैसे देश में क्या होगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग, अलग अलग प्रजाति, अलग अलग भाषा बोली, इन सब में क्या है, बटे हुए हैं। जातियां उपजातियों में बटी हुई है, ऐसे में विचारधारा को लेकर मतभेद होता है। आए दिन हम जो है इस चीज को देखते हैं कि भारत के फलाने प्रांत में कहीं यहां पर कहीं वहां पर क्या हो रहे हैं, कहीं दंगे हो रहे हैं, कोई कुछ तो कहीं पर कुछ। तो ऐसे स्थिति में समाज में जब अस्थिरता रहेगी, अशांति रहेगी, तो देश कैसे विकास करेगा? विकास करने के लिए क्या चाहिए? स्थिरता, समाज में शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, सभी लोग परस्पर एक दूसरे को सहयोग करें। ऐसे में फिर क्या होगा, देश का विकास तीव्र गति से होता है। इसलिए कहा जाता है कि भारत जैसे देश में सामाजिक समरसता की बहुत अधिक जरूरत है। सामाजिक समरसता है क्या, इसकी जरूरत क्यों हमको ज्यादा है, इस चीज को हमको जानने के लिए एक कहानी, कहानी ये है, हम लोग सभी लोगों ने सुना होगा, बचपन में सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा, उसको बस अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया। एक कहानी थी कि एक राक्षस रहता है, कई फिल्मों में उसको जादूगर के रूप में दिखाया गया है, वह एक राजकुमारी का अपहरण कर लेता है। राजकुमारी को बचाने के लिए राजकुमार हीरो उसके पीछे पीछे जाता है, दोनों के बीच में संघर्ष होता है, लेकिन राजकुमार जो है उसको, राक्षस को पराजित नहीं कर पाता, मार ही नहीं पाता। तब उसे ये पता चलता है कहीं से कि जो राक्षस है उसके प्राण एक तोते में है। याद आ गई होगी सबको कहानी, यानी अगर उस तोते की गर्दन मरोड़ दिया जाए तो राक्षस भी मर जाएगा। क्यों? क्योंकि राक्षस के प्राण तत्व कहाँ मौजूद हैं, तोते में। वो क्या करता है, तोते को पकड़ता, उसकी गर्दन में फोड़ता है, राक्षस का काम। यहां इस कहानी में हमें क्या चाहिए, मतलब है यहां पर राक्षस जो है वो समाज के बीच में, जो अलग अलग वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म वगैरह के बीच में जो अविश्वास है, अशांति है, अस्थिरता है, ठीक है, मतभेद हैं, लड़ाई झगड़े हैं, ये क्या हैं,
ये वो राक्षस है। उसका प्राण तत्व क्या है यहां पर? समरस, ठीक है। यानी अगर हम समरसता लेकर आए तो ये सारे तत्व खत्म। तो यहां हमको कहानी से कोई मतलब नहीं है जाता। कहानी का जो सार ये है कि प्राण तत्व महत्वपूर्ण है, और प्राण तत्व तत्व जो है कहां पर? अब इसको हम दूसरे रूप में, हमारा जो देश है उसके प्राण तत्व कहां बस रहे हैं, ठीक है। तो यहां हमारे देश का प्राण तत्व अगर हम कहें तो ठीक क्या है? ये सामाजिक समरसता है। बस आप इसी एक शब्द को याद रखिए, क्या? कि देश का प्राण तत्व सामाजिक समरसता है। अगर सामाजिक समरसता नहीं होगी तो राष्ट्र जो है वास्तव में उसके अस्तित्व को खतरा होगा। राष्ट्र विकसित नहीं हो पाएगा, विकास नहीं कर पाएगा। हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में एक समय पहले बहुत अधिक धन धान्य था, सोने की चिड़िया जाते थे, विश्व गुरु कहे जाते थे, आर्थिक समृद्धता थी। हमारे यहाँ ढेर सारे शूरवीर हुआ करते थे, विश्वविख्यात यूनिवर्सिटीज थी, नालंदा, तक्षशिला, नालकोंडा जैसी यूनिवर्सिटी, ज्ञान का अपार भंडार था। फिर भी कुछ आक्रांताओं ने और मुट्ठी भर अंग्रेजों ने हम पर सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों तक शासन किया। अब बताइए, ये सारी चीजें होने के बावजूद भी हम पर कैसे कोई शासन कर सकता? सब कुछ था लेकिन क्या नहीं था? सामाजिक समरसता। सब लोग देख रहे थे, इससे मुझे क्या? और इसी का फायदा क्या उठाया इन आक्रांताओं ने, और हम पर उनने क्या कर लिया? शासन। अगर लोगों के बीच में ये सामाजिक समरसता होती, सब लोग एक साथ आते और सामने वाले को पराजित। दूसरा, अगर हम लोग देखें तो एक और कहानी जो है इसी तरह की है, जो हमारे इस टॉपिक से बिल्कुल रिलेट करती है। वो क्या कि एक गांव होता है, उस गांव पर विदेशियों का आक्रमण हो जाता है, सब इधर उधर भागने लग जाते हैं, भागम भाग हो जाती है। उस गांव में एक धोबी था। धोबी के पास एक गधा था। धोबी गधे से कहता है कि आक्रमण हो गया, तू भी भाग, मैं तो भाग रहा हूं, तू भी भाग। तब गधा कहता है, मैं क्यों भागूं, मुझे क्या फर्क? तू मुझ पर जितना बोझ लादता था उतना, उससे ज्यादा ये क्या मुझ पर ला देगा? उतना ही ये मुझ पर भी क्या करेगा? बोझ ला देगा। जो तू रूखे सूखे भोजन देता था वो भी देगा, तू भी मारता था वो भी मारेगा, तो मैं क्यों भागूं, मुझे इससे क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तू शासन कर रहा था, अब वो शासन करेगा, बस यही एक भाव था। यही चीज हमने देखा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय। महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण कर रहा था तो हमारे सारे राजा महाराजावन बैठ के दूसरे सब क्या कर रहे थे? देख रहे थे कि हम पर तो नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है? सोमनाथ में उन पर हो रहा है, तो वो देखें।
इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मुझ पर तो नहीं हुआ। फिर यही चीजें हमने देखी महमूद मोहम्मद गोरी के सब के आक्रमण के टाइम, पृथ्वीराज चौहान पर जब तराइन का सेकंड युद्ध देखते हैं, वो युद्ध लड़ रहे विदेशी से, बाकी सारे हिंदुस्तान में शूरवीरों की कमी नहीं, लेकिन सब खड़े होकर देख, इससे मुझे क्या, मुझ पर तो नहीं आक्रमण हुआ, तो मैं क्यों इसमें जाऊं। वो गया नहीं, बाकी के लोग, उसने क्या करा, आक्रमण। धीरे धीरे इस तरह से एक एक करके जब उस पर आक्रमण करे तो बाकी सब लोग खड़े होके, इससे मुझे क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मुझे क्या। ये वो शब्द थे जिसने वास्तव में भारत को गुलाम बनाए रखा। गुलाम बनाने में इस विचारधारा की महत्वपूर्ण, तो ये तत्व आया कहां से। वास्तव में ये सामाजिक समरसता के अभाव की वजह से था। अगर इन सब लोगों में सामाजिक समरसता होती तो सामाजिक समरसता से आशय क्या है यहां पर, भाईचारा। आपस में क्या होता, भाईचारा होता, बंधुत्व भाव होता, तब सब लोग एक साथ आते। और जब एक साथ आते, यानी गांव में कहा जाता है ना, घर का मैटर है, घर में हम लड़ाई झगड़े जो भी करना है कर लेंगे हम, ये हमारा आपसी पारिवारिक मुद्दा है। लेकिन जब बाहर का कोई व्यक्ति आता है तो सब लोग मिलकर उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। अगर यही उस समय भी किया गया होता तो क्या होता, कोई भी हम पर शासन नहीं कर सकता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति अपनत्व का भाव या स्नेह, एक दूसरे के प्रति अपनत्व या स्नेह, स्नेह मतलब प्रेम का भाव क्या है, सामाजिक सम रसता है। अगर लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति अपनत्व होता है, ये हमारे अपने हैं, प्रेम होगा, स्नेह होगा, भाईचारा होगा, तब क्या होगा, सोशल हार्मोनी अपने आप आ जाएगी। फिर देखिए कि एक तरह से हम सामाजिक समरसता को उस सीमेंट की भांति मान सकते हैं जो अलग अलग वर्णों को, अलग अलग समुदायों के, अलग अलग विचारधारा के लोगों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। जिस तरह जब हम भवन का निर्माण करते हैं, मकान बिल्डिंगें बनाते हैं, तो जो भूमिका उसमें सीमेंट की होती है, सीमेंट मजबूती प्रदान करता, उसको आपस में बांधे रखता है। यही काम यहां पर कौन कर रहा है, समाज में लोगों को आपस में बांधने के लिए ये काम कर रहा है, सामाजिक समरसता का भाव, सोशल हार्मोनी का भाव, आपसी सौहार्द का भाव। इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मवत सर्वभूतेषु, क्या कहा गया है, आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत सर्वभूतेषु से क्या आशय है कि सभी को अपना समझना, आत्मवत मतलब अपना समझकर, आत्मीयता के साथ,
किया जाने वाला व्यवहार। यहाँ पर भूतेषु से आसे सभी लोग हैं, सर्व मतलब सभी, भूतेषु मतलब लोग, और आत्मवत अपनापन के साथ। तो सभी को अपना समझकर, सभी को अपना समझकर आत्मीयता के साथ किया जाने वाला व्यवहार क्या है? ये सामाजिक सम रास्ता है। इसी तरह से कहा गया है कि आत्मीयता और समादरार्थ, आत्मीयता और समादरार्थ का भाव, यहां पर क्या आत्मीयता और समादर, आत्मीयता अपनापन अपनत्व, समादर मतलब समान, और आदर यहां पर आ गया। सभी के प्रति समान आदर भाव रखना आत्मीयता के साथ क्या है? सामाजिक समरसता कहलाता है। इस तरह से समाज को बांधकर रखने वाला सीमेंट रूपी सामाजिक समरसता है। इसके अभाव में समाज खंडित हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, और यही हमारे इस्लामिक शासन और मुस्लिम आक्रमणों के दौरान हुआ था। ये सीमेंट की हमारे पास क्या थी? कमी थी। सब कुछ था, बस इस सीमेंट रूपी सामाजिक समरसता की कमी थी, जिसकी वजह से सब कुछ संसाधन वगैरह होने के बावजूद भी आपस में क्या नहीं थी? एकता नहीं थी, इसमें जुड़ाव नहीं था। हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम भी महात्मा गांधी जी ने अपने सिद्धांतों और आंदोलनों के दौरान सामाजिक समरसता के तत्व पर ध्यान दिया। अब देखिए, उनके कोई सा भी आंदोलन उठा के देखिए, चाहे वो असहयोग आंदोलन रहा हो, चाहे सविनय अवज्ञा या भारत छोड़, हर आंदोलन के दो रूप। एक में वो क्या तत्वों पर बात करते थे कि क्या 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 करना है? एक में क्रिएटिविटी, रचनात्मक कार्य, दूसरे में विरोध, विदेशी वस्त्रों की होली जला लो, उनका असहयोग करो, साथ मत दो उनका, शराब की दुकानों पर धरना देंगे, ये एक तरफ। दूसरी तरफ क्रिएटिविटी चाहिए, रचनात्मक। तो रचनात्मकता में उनको मालूम था कि यहाँ पर जो विविध संप्रदाय और धर्म के लोग हैं, इन्हें सबको आपस में जोड़ना जरूरी है। अगर ये सब लोग साथ में नहीं होंगे तो आंदोलन की धार और ताकत कम हो जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने अपने कार्यक्रमों में सामाजिक समरसता के तत्व को शामिल किया। तो सामाजिक समरसता के तत्व में गांधी जी ने क्या किया था? तो इन्होंने कौमी एकता पर बल दिया था। किस चीज पर?
यहाँ पर महात्मा गांधी जी, इन्होंने अपने कार्यक्रमों में कौमी एकता, कौमी एकता से आशय कौम मतलब मजहब धर्म, अलग अलग धर्म स्पेशली हिंदू मुस्लिमों के बीच में क्या होना चाहिए, एकता, अस्पर्शता निवारण। इनके कार्यक्रम का अगला क्या था महत्वपूर्ण तत्व, अस्पर्शता निवारण, क्योंकि अगर अस्पर्शता निवारण नहीं होगा तो समाज के दलित और पिछड़े लोग मुख्य धारा में नहीं जुड़ेंगे, तो वह आंदोलन से कैसे शामिल होंगे, राष्ट्रीय एकता कैसे सुनिश्चित होगी। तो इस हेतु गांधी जी ने अपने कार्यक्रम में अस्पर्शता निवारण को भी महत्व दिया। सभी समुदाय के लोगों को आपस में कौन जोड़ सकता था, तो वो थी राष्ट्रभाषा। तो इनके इसमें एक और तत्व किसको शामिल किया, राष्ट्र भाषा हिंदी। इसकी बात आर्थिक असमानता दूर हुए बिना आपस में एक साथ आना कठिनाई थी, तो क्या करना, आर्थिक असमानता दूर करना। इस हेतु इन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी दिया था कि ट्रस्टीशिप के माध्यम से जो है कि जो आर्थिक असमानता है, इनइक्वालिटीज है, इसको हम क्या कर सकते हैं, काफी स्तर पर कम कर सकते हैं। सामाजिक समरसता के ऊपर अगर हम लोग देखें तो हमारे देश के दो महापुरुषों ने इस पर काफी काम किया है, इसके महत्व को समझा। ये जो दो महापुरुष थे इनमें से जो पहले हैं वो हैं डॉक्टर हेडगेवार साहब। आरएसएस के संस्थापक इन्होंने काफी रिसर्च किया कि इतने कम संख्या में अंग्रेज होने के बावजूद विदेशी आक्रांता जो कुछ ही सैनिकों के साथ भारत पर आक्रमण करते और भारत संसाधनों के मामले में, शूरवीरों के मामले में, ज्ञान के मामले में एकदम ताकतवर था, तो कैसे ये लोग हमको गुलाम बना सके, वो कौन सा तत्व था जिसके अभाव की वजह से इन लोगों ने हम पर हजारों वर्षों तक शासन किया, वो कौन सा कारण था जिसने हमारे देश में राष्ट्रवाद को के भाव को कमजोर किया, इस भाव को मजबूत नहीं होने दिया। सब रिसर्च करने के पश्चात वो एक चीज पर आए, क्या निष्कर्ष पर पहुंचे, वही गधे वाली कहानी के अंदर जो है, इससे मुझे क्या, मुझे इससे क्या, यह भाव गुलामी का क्या था, कारण था, जिसके चलते राष्ट्रवाद की भावना
विकसित नहीं हो पाई। और जब राष्ट्रवाद की भावना ही नहीं होगी तो वहां पर उसको गुलाम बनाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। दूसरी चीज इन्होंने जो पाया कि हमारी मूल पहचान के, हमने हमारी मूल पहचान खो दी, जो मूल पहचान थी हमारी उसको हमने क्या कर दिया, खो। और हमारी जो मूल पहचान है वो क्या, तो मूल पहचान वो है हिंदू। अगर कोई व्यक्ति, समाज, देश जो अपनी जड़ों से जुड़ा होता है तो उसको हिला पाना बहुत मुश्किल होता है। हमारी जो मूल पहचान है हिंदू और जो हमारी संस्कृति है, इस चीज को कहीं ना कहीं हमने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, कमजोर कर। तो हमें क्या करना है, हमारी खोई हुई पहचान को पुनः प्राप्त करना है। तो ये कैसे होगा? इनका कहना था कि जब हमारा देश एक है, हमारी संस्कृति एक है, राष्ट्रीयता एक है, इतिहास एक है, हमारे आदर्श एक हैं, जीवन के लक्ष्य एक हैं, इस अर्थ में हम हिंदू हैं। हिंदू भाव जब यहाँ के लोगों के बीच में जागृत हो जाएगा तब ऑटोमेटिक सामाजिक समरसता का भाव आ जाएगा। तो सामाजिक समरसता इसलिए देश और राष्ट्र के लिए जरूरी होता है। इसके अभाव में मजबूती नहीं आ सकती है। तो देखा जाए तो सामाजिक समरसता का उद्देश्य क्या है, वो यहां देखिए। का उद्देश्य सामाजिक समरसता का जो उद्देश्य है वो है असमानता, जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता का जड़मूल से उन्मूलन। किस चीज का? असमानता। अस्पर्शता और जातिगत भेदभाव का जड़मूल से उन्मूलन। उन्मूलन का अर्थ क्या होता है? समाप्ति। यानी जो भी इनइक्वालिटीज हैं, अनटचबिलिटीज हैं, जो जातिगत भेदभाव है, इसका क्या कर दिया जाए? उन्मूलन मतलब समाप्ति। ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य। दूसरा, परस्पर प्रेम और सौहार्द। परस्पर प्रेम और सौहार्द को बढ़ाना। जो समाज के जो लोग हैं, देश के जो नागरिक हैं, इनके बीच में
परस्पर क्या होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सौहार्द का भाव, बंधुत्व है, अपनत्व है, आत्मीयता है, इसको बढ़ाया जाए। बंधुत्व, अपनत्व, आत्मीयता, इन सबको बढ़ाना। बंधुत्व, अपनत्व और आत्मीयता बढ़ा। सभी वर्गों के मध्य एकता स्थापित करना, सभी वर्गों के मध्य एकता स्थापित करना, ऐसा होने से क्या हो जाएगा, संघर्ष दूर हो जाएगा। सामाजिक समरसता के अगर हम लोग चिंतन की बात करें तो इसमें महात्मा बुद्ध का सम्यक दर्शन है। महात्मा बुद्ध का सम्यक दर्शन, तो वही गुरु रामदास जी, अमरदास जी, गुरु अमरदास जी का जो दर्शन है पहले पंगत फिर संगत, ये नहीं थे। ये ऐसी चीज है कि जो लोगों को आपस में क्या है, पहले एक साथ बैठ जाइए फिर संगति की बात करेंगे, एक साथ खाने पर आइए, जब ऐसा होगा तो भाईचारा आएगा, सामाजिक समरसता है। अब इस टॉपिक का जो केंद्रीय विषय वस्तु है वो है सामाजिक समरसता के तत्व, सामाजिक समरसता के तत्व। तत्व को ही घटक बोला जाता है, इसी को ही हम अंतर्वस्तु कह सकते हैं। ये कंपोनेंट या फैक्टर ऑफ सोशल हार्मोनी, कौन कौन से तत्व हैं जो समाज में क्या है, सामाजिक समरसता को स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह के तत्वों को हम लोग दो तीन भागों में बांटकर देख सकते हैं, स्पेशली दो, एक हम बोल सकते हैं परंपरागत और दूसरा आधुनिक, या फिर ऐसे चल सकते हैं सामान्य घटक प
परंपरागत घटक और आधुनिक घटक। तो इसके सामान्य घटक क्या हैं? वो ये है कि सभी लोगों को ये जानना और समझना पड़ेगा कि हमारा अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए समाज में शांति व्यवस्था। तो हम क्या कह सकते हैं, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व होना जरूरी है। सामाजिक समरसता तब काम कर सकती है जब लोगों के बीच में सहिष्णुता, सहनशीलता, टॉलरेंस। इसके अभाव में संघर्ष और लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं। अगर कभी इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो तो एक या दोनों लोग, अगर दोनों में सहनशीलता है, सहिष्णुता है, तो क्या होगा, संघर्ष टल जाएगा। तो दूसरा प्रमुख तत्व है, वो क्या है, सामाजिक सहिष्णुता। सहिष्णुता का अर्थ क्या हो गया, सहनशीलता। आपस में सहयोग का भाव हो, भाईचारा हो, यानी वे सभी तत्व जो संघर्ष और लड़ाई झगड़े को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, टालते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, सामाजिक समरसता के तत्व। आत्मीयता का भाव, लोकहित, सर्वहित, ये सब क्या हैं, सामान्य है, यानी कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, समन्वय, सामंजस्य, ये सभी सामाजिक समरसता के कौन से तत्व हैं, सामान्य तत्व। ये आप देखिए, अगर ये सब चीजें हैं किसी भी समाज के लोगों के बीच में तो संघर्ष क्या होगा, टले, लड़ाई झगड़े टले, यानी जो तत्व लड़ाई झगड़े को टालने का काम करते हो, संघर्षों को अवॉइड कर काम करते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक समरसता। परंपरागत घटकों के अंतर्गत अगर हम चाहें चले तो, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है हमारी वैदिक सभ्यता से लेकर सिविलाइजेशन से लेकर पुरातन सामाजिक संस्कृति, कुछ आदर्श वाक्य रहे हैं जो सामाजिक समरसता के मूल तत्व कहे जाते, वो क्या, सर्वे भवन्तु सुखिनः का अवधारणा। अगर आप देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, आगे देखते, यानी सबके सब सुखी हो, सबके सब निरोगी हो, इस मंत्र में हम लोग देखें तो कहीं पर भी अपने लिए ही बात नहीं की गई है। यहां कामना सबके सुख की, सबके स्वास्थ्य की गई है। तो जब सभी लोग सुखी होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे, ऐसा भाव आपस में क्या करेगा, जोड़ेगा। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा देखिए, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात ये पूरी वसुधा मतलब पृथ्वी, ये कुटुंब मतलब परिवार है, संयुक्त परिवार। कुटुंब का अर्थ क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली, ये पूरी पृथ्वी।
यानी हमने सबको अपना माना है, यहां पर बंधुत्व भाव है। एक परिवार के लोगों के बीच में जिस तरह से आत्मीयता होती है, अपनात्व का भाव होता है, अपनापन होता है, ऐसे ही इस विचारधारा के अंतर्गत पूरा का पूरा जो विश्व है, ये सभी हमारे परिवार के क्या हैं? सदस्य हैं। ऐसा भाव भारतीय संस्कृति के अतिरिक्त हमको किसी अन्य देश में नहीं, जहां लोग एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं, युद्ध लड़ते, वहीं पर हमारे यहां पर हजारों साल पहले इस तरह की विचारधारा को लेकर चला जा रहा था, अतिथि देवो भव का भाव। यहां पर हमने हर आगंतुक को अतिथि और देवता के से उसकी क्या करी है? तुलना करी है। अब इसमें तो ये नहीं पूछेंगे जो भी अतिथि आएगा आएगा कौन सी फला जात के हो, कौन से समुदाय से हो, कहां से। यहां तो ये है कि जो भी अतिथि आए ईश्वर का प्रतिरूप, हमको क्या करना है? निस्वार्थ भाव से उसकी क्या करना है? सेवा करना है। पहले उसको भोजन कराना, उसको फिर जाकर स्वयं के पास। इस तरह का भाव आपस में क्या लाएगा? सामाजिक समरसता लेकर आएगा। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। हालांकि ये आधा अधूरा है, पूरा क्या है? अहिंसा परमो धर्म। धर्म हिंसा तथैव च, यानी धर्म के लिए अगर हिंसा हो तो वह अहिंसा से भी बढ़कर है धर्म। लेकिन यहां हमारे काम का कौन सा वाला खंड है? इसका पहला वाला है अहिंसा परम धर्म। अहिंसा परम धर्म है मतलब हमको क्या? हिंसा समाज में नहीं करना, लड़ाई झगड़े नहीं करना। अगर ये भाव होगा तो लोगों के बीच में अपनत्व होगा, भाईचारा होगा, सामाजिक समरसता होगी। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का भाव, एक और क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये भाव। बहु मतलब यहां पर ढेर सारा है, बहुजन बहुत सारे लोगों का हित, बहुत सारे लोगों का सुख, ये भाव है। सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या हो? हित हो और सुखी रहे, क्योंकि सबको तो संभव नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जितना हो सके। ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे परंपरागत सामाजिक व्यवस्था से चल रहे हैं। लेकिन आज के आधुनिक समाज में वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो लोगों को आपस में बांधे हुए हैं? इसमें सबसे पहला नाम, सबसे बड़ा नाम वो किसका आएगा? संविधान का। संविधान के द्वारा हम लोग सब लोग चल रहे हैं, हमारा देश संविधान के, संविधान में लोगों के अधिकार, अस्पर्शता का निवारण। हमने थोड़ी देर पहले जो चर्चा करी थी कि दो महापुरुषों की बात करी थी, एक का उल्लेख हुआ था, दूसरे का अब यहां पर किसका है? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी। इनका मानना था कि जब तक समाज से जातिवाद, धार्मिक भेदभाव, आर्थिक असमानता, आर्थिक और सामाजिक असमानता,
अस्पर्शता, अनटचेबिलिटीज, ये सब समाप्त नहीं होता तब तक समाज के लोगों के बीच में सामाजिक समरसता स्थापित नहीं हो सकती है। अब हम लोग देखते हैं आधुनिक घटक के अंतर्गत और क्या, वो है शिक्षा, स्पेशली नैतिक शिक्षा। अगर लोगों के बीच में नैतिक शिक्षा का भाव बढ़ जाता है तो आपस में क्या हो जाते हैं, संघर्ष को टल जाता है, सामाजिक समरसता बनी रहती है, बंधुत्व भाईचारा बना रहता है। मीडिया, आज लोगों को जागरूक करने में किसकी भूमिका है, मीडिया की। अब ये मीडिया चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक में हो, या फिर हम लोग बात करें सोशल मीडिया की, हर मीडिया ने जो है लोगों को जागरूक किया है। राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, चाहे वो राम मंदिर के बाद देखें, चाहे पुलवामा और अटैक के बाद की स्थिति देखें। राष्ट्रवाद की भाव जो तेजी से बढ़ा है उसके पीछे कहीं कहीं इस मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अनेकता में एकता का भाव, ये भाव सामाजिक समरसता करता है। सामाजिक असमानता को दूर करना, सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट जो है, सामाजिक न्याय, सहअस्तित्व का भाव, कि एक दूसरे के अस्तित्व के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, शांति और सुरक्षा का भाव, समाज में जितना ज्यादा शांति और सुरक्षा का भाव होगा लोगों के बीच में, वहां पर सामाजिक समरसता उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। असमानता को दूर करना, कि नीतियां जितनी ज्यादा उतनी ये सब क्या है, सामाजिक समरसता के तत्व, इनकी उपस्थिति, इस भाव का होना समाज में सामाजिक समरसता को बढ़ाना, जिससे राष्ट्रवाद की भावना बढ़ेगी, राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होगी, समाज में शांति व्यवस्था कायम, इसका परिणाम देश प्रगति और विकास की ओर तेजी से बढ़ेगा। आशा करते हैं कि आपको ये हमारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।